प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू। दोनों सदनों में भाजपा विधायक स्वर्गीय रामकुमार वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा कल 11 बजे तक हुई स्थगित। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने अपनी पत्नी के साथ आज कड़ी सुरक्षा के बीच ताजमहल का किया दीदार। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने ताजमहल की जमकर की प्रशंसा। मेरठ और बलरामपुर में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान के समापन समारोह में महिला सुरक्षा, शिक्षा और आत्मरक्षा पर दिया गया बल। और शाहजहांपुर में 3 दिवसीय ऑल इंडिया आयुध अंतर क्षेत्रीय हॉकी टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। नॉर्थ जोन और वेस्ट जोन के बीच खेले गए उद्घाटन मैच में नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 6-2 से किया पराजित। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह, अब समाचार विस्तार से। प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। दोनों सदनों में भाजपा विधायक स्वर्गीय रामकुमार वर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के निधन पर शोक प्रस्ताव के बाद विधानसभा कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। नेता सदन, विधानसभा अध्यक्ष समेत विपक्षी दलों के नेताओं ने भी दोनों स्वर्गीय नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि इनकी कमी राजनीति में हमेशा रहेगी। स्वर्गीय तिवारी ने 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत केंद्र सरकार की अहम जिम्मेदारी निभाई। इस सम्मानित सदन में मुझे बड़े दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी का 18 अक्टूबर 2018 को 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। देश और प्रदेश के प्रति की गई उनकी सेवाओं के लिए एक विकास पुरुष के रूप में उनको हमेशा स्मरण किया जाएगा। मैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को अमरत्व मिले, शांति मिले, मुक्ति मिले, मोक्ष मिले। मैं इस आदरणीय सदन में सभी दलों द्वारा व्यक्त किए गए विचार और शोक संवेदनाएं उनके परिवार तक पहुंचा दूंगा। आइए उनकी स्मृति में आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखें खड़े होकर। उधर विधान परिषद के आज के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में विधान परिषद के नवनिर्मित सदन का सभापति और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने औपचारिक रूप से उद्घाटन किया, जिसमें परिषद के सभी सदस्य उपस्थित रहे। परिषद में आज दिवंगत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी और रामकुमार वर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। सदन ने इन नेताओं के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मौन रखा। इसके साथ ही विधान परिषद कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह अपनी पत्नी के साथ आज ताजमहल का दीदार करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा पहुंचे। मालदीव के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, डीजीपी ओपी सिंह ने हवाई अड्डे पर स्वागत कर अगवानी की। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल के साथ हवाई अड्डे से होटल अमर विलास पहुंचे, जहां ब्रज के लोक कलाकारों ने ढोल बजाकर और मयूर नृत्य कर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रपति और उनकी पत्नी ने लोक कलाकारों के साथ फोटो सेशन भी कराया। इसके बाद राष्ट्रपति अपनी पत्नी और प्रतिनिधि मंडल के साथ बैटरी चालित बस में सवार होकर ताजमहल पहुंचे, जहां उन्होंने ताज का दीदार किया। ताज दीदार के दौरान राष्ट्रपति ने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया और बाद में गाइड से उन्होंने ताज के इतिहास के बारे में जानकारी ली। करीब 50 मिनट से अधिक समय तक ताजमहल का भ्रमण करने के दौरान उन्होंने ताजमहल की जमकर प्रशंसा की। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह अपनी पत्नी के साथ आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। ताजा जानकारी के लिए बात करते हैं आगरा में हमारे प्रतिनिधि सज्जन सागर से। सज्जन, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मालदीव के राष्ट्रपति उनकी पत्नी ने 50 मिनट से अधिक समय तक ताजमहल का भ्रमण किया। ताजमहल देखकर राष्ट्रपति उनकी पत्नी ने क्या कुछ कहा?
बिल्कुल देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज मालदीव के राष्ट्रपति सपत्नीक जो है आज आगरा पहुंचे और उन्होंने ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान करीब 50 से 55 मिनट के बीच उन्होंने ताजमहल के बीच में गुजारे। एक तरफ ताजमहल था तो दूसरी तरफ मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सलीम सामने थे अपनी पत्नी के साथ। इस दौरान उनके ताजमहल को देखकर बरबस यही शब्द निकल रहे थे, वाह ताजमहल, ब्यूटीफुल, अमेजिंग ताजमहल, इस तरह के शब्द वो बार बार दोहरा रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने जो गाइड थे उनके साथ, उन्होंने ताजमहल की पच्चीकारी के बारे में बखूबी जानकारी दी, साथ साथ जानकारी मिली इतिहास के बारे में भी उन्होंने जाना। 50 से 55 मिनट के आसपास उन्होंने ताजमहल में समय गुजारा। उसके बाद जो है ताजमहल से होटल अमर विलास के लिए रवाना हो गए थे। वहां पर उन्होंने लंच किया था और लंच के बाद करीब 1.5 घंटे के आसपास उन्होंने वहां आराम भी किया था। उसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। जी तो सज्जन जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सूची में विस्तार को मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने सभी गरीब परिवारों को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए उज्ज्वला योजना में विस्तार को मंजूरी दे दी है। सारे गरीबों को जिनके वहाँ एलपीजी कनेक्शन नहीं है वो दरखास्त करेंगे, उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। 14 बिंदु बनाया गया है, उनको कुछ ना कुछ आइडेंटिटी प्रूफ देनी पड़ेगी। उनकी एलपीजी कनेक्शन उनके परिवार में नहीं है ऐसा एक एफिडेविट देना पड़ेगा। ऐसे छोटे छोटे 14 पॉइंट की एक एफिडेविट देने के बाद ऐसे जो वंचित लोग रह जाएंगे, यानी पहली बार भारत सरकार ने जो हमारी एक योजना रही है सबके साथ सबकी विकास, आज सही मायने में भारत की सारे घरों में, यानी सारे घरों में स्वच्छ ईंधन पहुंचे, ये आज के निर्णय के बाद हो पाएगा। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर बरेली में उनके पैतृक गांव तरछेड़ी में गांव वालों ने जश्न मनाया। बरेली जिले के आंवला तहसील में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का गहरा रिश्ता है। आंवला के अतरछेड़ी गांव में कमलनाथ का पैतृक मकान है जो कि खंडर में तब्दील हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि भले ही कमलनाथ उन्हें नहीं जानते मगर उनके परिवार से जुड़ी कई यादें इस गांव में हैं। उम्मीद है वे सीएम बनने के बाद जरूर अतरछेड़ी आएंगे। इनके फोर फादर जो थे हमारे गांव के रहने वाले थे, इनके पिताजी श्री महेंद्रनाथ जी, माननीय कमलनाथ जी के पिताजी महेंद्रनाथ जी हमारे गांव के रहने वाले थे। तो बड़ा खुशी का विषय था कि हमारे गांव से एक व्यक्ति जो जा चुका है वो एक बड़े स्टेट के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने शपथ ली। तो इस खुशी में हम लोगों ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी और आतिशबाजी। कमलनाथ जी यहीं के रहने वाले थे और हमारे बड़े भाई साहब थे, वो उनसे मिलने गए थे जब से सांसद थे, उनसे मिल के आए थे। मेरे छोटा भाई भी गया था, उनसे मिल के आए थे। और उनका एक परिवार मेरठ में रह रहा है, धर्मनाथ शास्त्री जी के नाम से, उनकी बीवी का नाम कमला था जिनके नाम से कमला रोड निकला हुआ है मेरठ में। मेरठ में चले नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का आज विकास भवन सभागार में समापन किया गया। कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया गया। एक माह तक चले इस नारी सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत मेरठ में ब्लॉक स्तर पर 1697 दूतों को उनके ब्लॉक सभागार पर प्रशिक्षण दिया गया तथा डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में बताया गया। मुख्य विकास अधिकारी आरिका अखौरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिला सुरक्षा और आत्मरक्षा के बारे में बताया गया, साथ ही विभिन्न लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई और लाभार्थियों से सीधा संवाद भी किया गया। नारी सशक्तिकरण अभियान का मेन मकसद था कि जो गैप होता है अधिकारियों कर्मचारियों में, अधिकारियों और लाभार्थियों में, उनको कम हो और हम जाकर लाभार्थियों सीधे बात कर सके, उनको जो योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के लिए वो बता सके। तो काफ़ी अच्छा अभियान रहा। 27 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक डोर टू डोर संपर्क का कार्यक्रम चला जिसमें 2,03,595 महिलाओं संपर्क किया गया और उसमें काफ़ी महिलाएं संतुष्ट हुई और उन्होंने मिस्ड कॉल भी दिया। और उसके बाद 2 दिन का शिविर भी लगाया गया था 92 जगह पे, उसमें भी लगभग 33,000 महिलाएं आई थी, उनको सारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सशक्तिकरण का नारी संकल्प अभियान जो चला था ये 20 नवंबर से शुरू हुआ था और ये आज इसका समापन था। इस कार्यक्रम में सब लोगों में सब बहनों ने बहुत अच्छा काम किया, महिला आरक्षी, टीचर्स और आंगनवाड़ी आशा बहु और हम लोग जिले से 5 बहनें लगी हुई थी, सबका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स भी मिला। सबसे प्लस पॉइंट इसमें हम लोगों को ये मिला कि जो तकलीफें गांव में थी जहाँ तक जो योजनाएं वो नहीं पहुँच पाती थी
उससे हम लोगों ने जो महिलाएं वहाँ की उनको अवगत करवाया। कुछ बहनों को जैसे परेशानी होती थी, कोई शोषण किसी प्रकार का उनका हो रहा था तो कॉल नहीं कर पाती थी, तो ये जो वुमेन्स हेल्पलाइन 181 जो चालू की है गवर्नमेंट ने, उससे भी अवगत करवाया ताकि बहनें अपने किसी भी प्रकार की परेशानी का उसमें कॉल करके अपना सोल्यूशन ढूंढ सके। उधर बलरामपुर में नारी सशक्तिकरण संकल्प अभियान का समापन समारोह का आयोजन हुआ। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज वर्मा ने महिलाओं से आगे बढ़ने एवं शासन की योजनाओं के लाभ लेने की अपील की। 20 नवंबर से चल रहे नारी सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत महिलाओं को मुख्यतः शिक्षा, स्वरोजगार, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण तथा सुरक्षा आदि के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिले और वे सशक्त हों, इसी उद्देश्य को लेकर महिला कार्यकर्ता व महिला अधिकारी तथा कर्मचारियों की टीमों ने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे नारी सशक्तिकरण का अभियान का शुभारंभ हुआ था, उससे जो हमारी महिलाएं ग्रामीण अंचलों में रह रही हैं और उनको कैसे सशक्त बनाया जाए, उसके लिए हमारी संगठन और हमारी सरकार ने मिलकर काम किया। सभी हमारे अधिकारी लोग हर जनपद में लगे और सभी ने उन लाभार्थी बहनों से मिलने का काम किया, उन्हें जागरूक करने का काम किया। सिर्फ लाभार्थी लोगों से मिलना ही हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है जो हमारी नारी पीछे हैं, महिलाओं को पीछे रखा गया अभी तक, उनको आगे लाया जाए, एक ऐसी लीडरशिप और एक ऐसा भारत तैयार किया जाए जिसमें महिलाओं की बराबर की भागीदारी हो। सरकार की, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ढेर सारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में, उनके सफल क्रियान्वयन का जो सबसे पहला तत्व है कि जानकारी होना। महिलाओं से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं, अधिकांश योजनाओं के बारे में उन महिलाओं को ही जानकारी नहीं हो पाती। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के घर घर जाकर जो महिला टीम गठित की गई थी गांव-गांव में, वो टीम वहां गांव में गई, महिलाओं से वार्ता किया, संपर्क किया, इससे उनको जानकारी हुई, उनको ये भी जानकारी हुई कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ करने के लिए प्रयत्नशील है। हम लोग, इसका उद्देश्य था कि महिला सशक्तिकरण का प्रचार प्रसार, उनके अधिकारों का गांव-गांव में प्रचार करना, और हम लोग गांव में प्रत्येक घर में जा करके महिलाओं को उनके अधिकारों को विषय में बताया और महिलाएं बहुत जागरूक और सशक्त भी हुई हैं। अब देखा जाए तो महिलाएं चाहे मार्केट का काम हो, चाहे बैंक का काम हो, चाहे स्वास्थ्य का, हॉस्पिटल का काम हो, महिलाएं अब अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ बाहर निकलती हैं और अपना काम कर रही हैं। चित्रकूट जिले के रेहुटा गांव के मजरा धर्मपुरा पूर्वा में आजादी के 71 वर्ष बाद विद्युतीकरण होने पर ग्रामीणों ने खुशी जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली आने से गांव के विकास को दिशा मिलेगी, अब बिजली से खेतों की सिंचाई हो रही है, पहले डीजल से खेत सींचने में कृषि लागत अधिक आती थी। गांव में बिजली आने से रात में भी रोशनी रहती है, अब बच्चे भी देर रात तक पढ़ते हैं। आज़ादी के 71 वर्ष बाद हमारे मजरे में लाइट आई 15 अगस्त 2018 में। लाइट आई, लाइट आने से जो यहाँ कृषि की ज़मीनें थी वो सब परती पड़ी रहती थी, लाइट आने से लोगों ने बोर कराया, कनेक्शन लिया, आज पूरे क्षेत्र की जितनी यहाँ पे फसलें हैं सब देख रहे हैं आप कि हर खेत में हरियाली है, नहीं अभी तक पूरी ज़मीन परती पड़ी रहती थी। हम पढ़ नहीं पाते थे, अब लाइट आ गई है तो हम पढ़ लेते हैं, चाहे जितनी टाइम उन्हर के पढ़ ले। पहले आंसू आ जाते थे डिब्बी के पढ़ने से, ही दिखाई नहीं देता था डिब्बी के उंजेला में, अब बहुत सही है। वही अधिशासी अभियंता विद्युत हरिबरन ने बताया कि जिले में 541 गांव और 2310 मजों का विद्युतीकरण होना था, जिसमें से 541 गांव और 2110 मजों का विद्युतीकरण हो गया है। शेष 200 मजों में थोड़ा कार्य शेष है जो दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा और जनपद पूर्ण रूप से ऊर्जाकृत हो जाएगा। कंप्लीट हो चुके हैं और 310 मजरे में काम करना था, जिसमें जो है 200 मजरे बचे हैं जिनमें काम चल रहा है, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएंगे पूरा काम, मतलब इसके बाद पूरा विद्युतीकरण हो जाएगा, ये दिसंबर में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। काम चल रहा है बहुत, कहीं थोड़ा काम है कहीं ज्यादा काम, बस काम चल रहा था, कंप्लीट का वर्तमान में टेबल मीटर और सब कुछ फ्री दिया जा रहा है, इसमें कोई भी चार्जेज नहीं है बीपीएल के लिए।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत रामपुर में गरीबों को लाभ पहुंच रहा है। गर्भावस्था में गर्भवती होने पर जिला अस्पताल में शिशु को जन्म देने पर शहरी योजना में 1000 और ग्रामीण योजना में 1400 रुपए मिलते हैं। पहला शिशु होने पर 1400 रुपए, दूसरी किस्त में 1000 और तीसरी किस्त में 2600 रुपए मिलते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ 5000 रुपए तक का प्राप्त होता है। शिशु के पैदा होने से लेकर शिशु को जन्म देने तक टीकाकरण कराना पड़ता है। देखिए, उन महिलाओं के लिए है जो पहली बार प्रसव धारण करती हैं, यदि पहले प्रसव में कोई अनहोनी हो जाती है और दो किस्त मिलने के बाद प्रसव गिर जाता है तो अगले प्रसव में उसको बाकी बची तीसरी किस्त दी आएगी। इस तरीके से पूरी वो रिम्बर्स अगले प्रसव में कर दी जाती है। जनपद रामपुर में 5 करोड़ से ऊपर इसका वितरण किया जा चुका है राशि का। बरेली में सैकड़ों पुलिसकर्मी सरकारी आवासों पर सालों से कुंडली जमाए बैठे हैं। सरकारी आवासों पर कब्जा करने के कारण 106 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसपी सिटी अभिनंदन ने बताया कि 7 अलग अलग थानों में 106 पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन सभी को पहले कई बार नोटिस दिया गया था लेकिन पुलिस द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं किए गए। जनपद में हमारे थाने के प्रमाइसेस में और पुलिस लाइन्स में कई सारे क्वार्टर्स हैं जिसमें कि पुलिसकर्मी रहते हैं। ये उनके लिए होते हैं जो यहाँ पर वर्तमान में इस जनपद में अभी भी काम कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। परंतु हम लोगों ने जब क्वार्टर्स का एक वेरिफिकेशन सत्यापन कराया कि कौन कौन रह रहे हैं, तो हम लोगों ने ये पाया कि बहुत सारे क्वार्टर्स में ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका बहुत पहले से यहाँ से ट्रांसफर हो चुका है या वो रिटायर हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने नोटिसेस इशू किए। कई लोग उनमें से उन्होंने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया। उसके बाद हम लोगों ने एक लीगल रिकोर्स लिया है, हम लोगों ने मुकदमे दर्ज कराए हैं उन लोगों के खिलाफ और आईपीसी 447 और 29 इंडियन पुलिस एक्ट के तहत ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। टोटल मिला के 106 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। मथुरा जिले में पिछले कई सालों से राय रोड पर झोपड़ी डालकर रह रहे 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि इनके 2 साथी फरार हो गए। इनके कब्जे से फर्जी नाम पते वाला आधार कार्ड और मोबाइल का सिम भी मिला है। ये सभी लोग जिनके प्लॉट में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे, पुलिस उसकी तलाश कर रही है। खुफिया एजेंसियों को सूचना मिल रही थी कि कुछ बांग्लादेशी राय रोड पर झोपड़ी डालकर रह रहे हैं। एलआईयू की टीम ने पुलिस के सहयोग से मौके से इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद मथुरा में हमारी इंटेलिजेंस की टीम ने और थाना पुलिस की टीम ने कई बार बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। उन्हीं सूचनाओं को जो है डेवलप करते हुए कल हमारी एलआईयू की टीम और थाना जमनापार की टीम को सफलता मिली। 3 बांग्लादेशी व्यक्ति गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। उन्हें मुकदमा लिखकर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जहां वो रह रहे थे, जिनके साथ रह रहे थे, जो उनका माध्यम है, उनसे पूछताछ के बाद जो भी तथ्य निकल कर आ रहे हैं उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में 3 दिवसीय ऑल इंडिया आयुधी अंतर क्षेत्रीय हॉकी टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई है। इस टूर्नामेंट में विभिन्न आयुध निर्माणियों की टीमों को 4 जोनल में बांटा गया है। आज टूर्नामेंट का उद्घाटन आयुध वस्त्र निर्माणी के महाप्रबंधक सुदीप के बनर्जी ने किया। आज का उद्घाटन मैच नॉर्थ जोन व वेस्ट जोन के बीच खेला गया जिसमें नॉर्थ जोन ने वेस्ट जोन को 6-2 से पराजित करके आगे जगह बनाई। ओसीएफ प्रबंधक श्री बनर्जी ने कहा कि हम काम के साथ साथ खेल पर भी ध्यान देते हैं, इसी कारण आज हमारे आयुध के खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ स्थित सुन्नी इंटर कॉलेज द्वारा चौक स्टेडियम में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें 1200 से ज्यादा बच्चों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। इस अवसर पर एक लघु नाटक के जरिए बाल मजदूरों पर हो रहे अत्याचार को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने भी हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के आयोजक कॉलेज प्रबंधक मोहम्मद फसी सिद्दकी ने कहा कि हर वर्ष कॉलेज के बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का प्रचार करने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ इस समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।